चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में आए 500 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमको क्या सिखाया कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के आदेश का पालन हम सब अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की सेवा करना, प्रभुपाद जी कहते थे, ये तो सौभाग्य है, ये हम सबका सौभाग्य है जब हम अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकें। प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा का अभिप्राय क्या है कि अगर आपको स्वामी कहे कि मुझको एक गिलास पानी ला के दो और आप एक गिलास दूध ला कर दे दो, तो हालांकि दूध ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन दूध से प्यास तो नहीं बुझेगी। तो इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होबे मोरो नाम, पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरा नाम होगा, और हम सोचें कुछ और अपने अनुसार, तो फिर ये सेवा तो नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा गीता के अंत में जाकर कि मेरा प्रिय भक्त वो है जो मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाएगा। तो कोई बोल के पहुंचाता है, कोई किताब देकर पहुंचा सकता है, गीता के ग्रंथ से भी लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। तो